इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। न्यूज मास्टर मोहम्मद रहीम की रिपोर्ट। भुसावल शहर बिजेट हाई स्कूल में यूसुफ भांजा चेयरमैन बनाया गया। इस खुशी में कुछ प्रोग्राम हुए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये अल्लाह इससे ऐसे ही काम लेते रहे। मैं अपनी तरफ से इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। आज हर के ग्रुप की ओर से आपसे बात मौका दो, क्या कहेंगे आज जो है आपका साल हुआ? मुझे तो मैं मेरे ग्रुप का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से नवाजा। वो जो इज्जु मंतशा, वो जो जिल्द मंतशा, अगर अल्लाह की तरफ से फैसले हो जाए इज्जत के तो दुनिया खिलाफ हो जाए तो अल्लाह की बात कर नहीं सकती। और मुझे जो आज इस बात से नवाजा गया, मैं हमारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे खुद के अंदर ये बात है कि मैंने कौम के लिए कुछ करना, और 25 साल से मैं कब्रिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग हैं, सब जानते हैं कि मैंने आज तक वहाँ पर ऐसे कुछ काम होने नहीं दिया जिससे कौम का नुकसान हो। अब रहा स्कूल का सवाल, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है स्कूल संभालने का, तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश ये है, और मैं पिछले टाइम जब चुन के आया था 18 महीने मैंने काम किया था, सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन यही था स्कूल के अंदर कि लड़कियाँ जो है 10वीं 12वीं की सब हिजाब के अंदर आए, सब बुरखा पहनकर। और मैं आज भी यही चाहता हूँ कि सब लोग, सब बच्चियाँ जो है हमारी 10वीं 12वीं की, सब हिजाब में आए, बुरखा पहनकर आए, इस्लामी अदारा है, इस्लामी तरीके से आए, हमारे बच्चों की हिफाजत पूरी हो। और मेरे दिल में एक ख्वाहिश है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ जो सीनियर कॉलेज के लिए जलगांव जाती है, बस के अंदर धक्के खाती है, ट्रेनों में धक्के खाती है, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ, मैं एक अदना इंसान हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं एक अदना इंसान हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है, दिली ख्वाहिश कि इंशाल्लाह यहाँ पर सीनियर कॉलेज आ जाए, सीनियर कॉलेज आ जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ जो धक्का खाती धक्के बाहर जाने से बचे, छेड़खानी से बचे, और हमारी बच्चियाँ इज्जत में रहे। और दूसरा, तीसरी बात मेरी ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टीचर स्टाफ है वो बेहतरीन से बेहतरीन काम करे। अल्लाह ताला ने टीचर स्टाफ को दोनों हाथ में लड्डू दिया है, एक तो ये है कि उनकी रोजी अल्लाह ताला ने वहाँ लिखी है, दूसरा लड्डू ये है कि उनको आखिरत बनाने का एक मौका दिया अल्लाह ने। अगर वो लोग ईमानदारी से बच्चों के ऊपर अपनी मेहनत करके उनको इस लायक बनाते हैं और पढ़ाते हैं, अगर वो अलीफ पढ़ाते हैं और वो अलीफ बच्चा सीख जाता है और जिसकी वजह से कायदा और कुरान सीखता है, इंशाल्लाह मरने के बाद में ऐसे टीचरों को जब अल्लाह ताला उनको सवाब देगा तो कहेंगे अल्लाह ताला ये तो हमने किए नहीं, ये हमारे को क्या क्या सवाब है, तो अल्लाह फरमाएगा कि तुमने जो बच्चों के ऊपर मेहनत करके खड़ा किए थे, उन्होंने कुरान शरीफ सीखा, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी, उन्होंने हज किया, तुमको हज का सवाब है, तुमको उम्रे का सवाब है, तुमको कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब है। ये बहुत बड़ी खिदमत है आज हमारे टीचर लोगों के साथ में, और मैं चाहूंगा कि टीचर स्टाफ से भी वो बच्चों में ख्याल दे, और हमारे मैनेजमेंट से भी ये मैं गुजारिश करूंगा कि भाई वो लोग मेरे जितने भी जज्बात है आज काम करने के उसमें मेरा भरपूर साथ दे और मेरे साथ पे रहे। खुशी का मौका है।